नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। जब से पाकिस्तान पीएम की कुर्सी से पाक सेना ने इमरान खान को उतारा है, तभी से इमरान खान अपने आप को पाकिस्तान का मसीहा मान रहे और पाकिस्तान में घूम घूम कर कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ और अमेरिकी साजिश के इशारे पर पाक सेना, पाक सुप्रीम कोर्ट समेत विपक्षी पार्टियों ने कुर्सी से मुझे हटाया। जबकि पाक सेना, पाकिस्तान की अदालत और पाक की सबसे ताकतवर एजेंसी आईएसआई ने साजिश को नकार दिया, लेकिन इमरान खान शहर शहर, गांव गांव घूम घूम कर कह रहे हैं कि नई सरकार अमेरिका की सरकार, ये सरकार चुनाव कराए, नहीं तो सरकार हम चलने नहीं देंगे। इसी बीच इमरान खान को लेकर कई बुरी खबरें आई, उसी कड़ी में एक बड़ी खबर आ रही। ये तो आप जानते हैं कि एक जमाने में इमरान खान को प्लेबॉय कहा जाता था, जिन पर बॉलीवुड की हीरोइनें मर मिटती थी, जिनमें शबाना आजमी, रेखा, जीनत अमान जैसे दिग्गज हीरोइंस थी और इमरान की प्लेबॉय की छवि उनके लिए सिरदर्द बनी रही। अब वही इमरान खान एक बार फिर से अपने समलैंगिक रिश्तों को लेकर विवादों में। इमरान खान के कई वीडियोस इन दिनों पाकिस्तानी सोशल मीडिया में घूम रहे। पाक मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इन्हीं में से एक वीडियो में इमरान खान एक शख्स के साथ आपत्तिजनक हालत में। इन वीडियोस के सामने आने के बाद इमरान खान काफी टेंशन में हैं और उन्होंने दावा किया है कि उनके चरित्र हनन के लिए ये वीडियो बनाए गए। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि इससे पहले इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने पीटीआई के नेता पर समलैंगिक होने का आरोप लगाया था। पाकिस्तानी पत्रकार असद अली तूर की माने तो इमरान खान के लीक हुए कई वीडियोस में से एक वीडियो में पूर्व पाकिस्तानी पीएम एक मर्द के साथ नजर आ रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने इस वीडियो की जांच पश्चिमी से कराई और इसे सही पाया गया। इस बीच इमरान खान को अभी अपने वीडियो लीक होने का एहसास हो गया। इमरान खान ने एक ताजा इंटरव्यू में आरोप लगाया कि उनके राजनीतिक विरोधी उनका चरित्र हनन करना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और जरदारी की पार्टी पीपीपी ने फर्जी वीडियो बनाने वाली कंपनियों को किराए पर हायर किया ताकि उनकी छवि को खराब किया जा सके। इमरान अपने बचाव में लगातार वीडियो फर्जी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनकी पूर्व पत्नी रेहम खान भी पीटीआई नेता को समलैंगिक बता चुकी। रेहम खान ने यह भी खुलासा किया था कि इमरान खान ने शादी से पहले उनका यौन उत्पीड़न किया था। रेहम खान ने इमरान खान को लेकर अपनी किताब में कहा था कि पाकिस्तानी एक्टर हमजा अली अब्बासी और पीटीआई सदस्य मुराद सईद के साथ इमरान खान के समलैंगिक रिश्ते हैं। जब किताब आई तो हंगामा मच गया, लेकिन इस आरोप पर मुराद सईद ने रेहम खान को लताड़ लगाते हुए आरोप का खंडन किया था। लेकिन कौन जानता था कि आखिरकार भेद खुल जाएगा और इमरान खान समाज में बेपर्दा हो जाएंगे। अब देखना होगा कि इमरान खान क्या करते हैं और कैसे अपना बचाव करते हैं।